यूपी चुनाव समाप्त होते ही राज्यसभा में प्रियंका गांधी की धमाकेदार एंट्री, जश्न में डूबे कांग्रेसी कार्यकर्ता। एग्जिट पोल की अटकलों के बीच कांग्रेस के भीतर एक वर्ग का विचार है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उनके व्यापक अभियान के बाद संसद में भेजा जाना चाहिए, ताकि सदन और बाहर मोदी सरकार का मुकाबला किया जा सके। इसके पहले पार्टी उन्हें उस समय राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही थी जब अहमद पटेल जीवित थे और छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी, लेकिन यह तय किया गया कि बीजेपी द्वारा भाई भतीजावाद के आरोपों को देखते हुए यह सही समय नहीं है। प्रियंका ने राज्य में व्यस्त अभियान का प्रबंध करने के बाद वह पार्टी के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरी है। हालांकि अगर एग्जिट पोल पर जाएं तो उत्तर प्रदेश में परिणाम उनके लिए उत्साहजनक नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा भेजने की खबरें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब निर्वाचन आयोग ने पंजाब की 5 सीटों समेत 13 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है। 31 मार्च को सभी सीटों पर मतदान होगा। पार्टी में उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें सदन में भेजने का यह सही समय है, क्योंकि आम चुनाव अब से 2 साल बाद हैं और वह सरकार का मुकाबला कर सकती हैं। केरल, पंजाब और अन्य राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगर पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह उन्हें राज्य से भेज सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रिक्तियां होने जा रही हैं। उन्हें इन दोनों राज्यों में से किसी एक से राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि भूपेश बघेल प्रियंका को सीट देने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनके नारों ने जनता के दिलों में जगह बना ली है और भारी बारिश में उनके अभियान बाराबंकी में खेतों में काम करने वाली महिलाओं सहित लोगों से मिलना जनता के साथ अच्छा रहा है। प्रियंका ने पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी प्रचार किया।